हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा कक्षा 8 में पार्ट नंबर 3 को सच्ची वीरता। तो सबसे पहले हम पाठ के शब्द अर्थ देख लेते हैं। सच्ची वीरता पाठ कर तो सच्ची वीरता पाठ के शब्द अर्थ है तिरस्कार, अपमान या अनादर होता है, सेखी हेकड़ी या शान होता है, काफिर ईश्वर को ना मानने वाला, सत्य को छिपाने वाला को हम काफिर बोलते हैं, कलाम कलाम यानी वाणी को, शब्द को, वार्तालाप को बोलते हैं, अटक सिंधु नदी को बोलते हैं, नेपोलियन नेपोलियन यानी फ्रांस का महान योद्धा राजा था जिसको नेपोलियन कहा जाता है, सत्वगुण सादगी और सच्चाई से युक्त को सत्वगुण बोलते हैं, सत्वगुण में डूबी हुई युवती कन्या, यहाँ प्रसंग लेखक फ्रांस की वीरांगना जॉन ऑफ आर्क का उल्लेख कर रहा है जिसने फ्रांस पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं का डट कर मुकाबला किया और उन्हें परास्त किया। शिकस्त मिस पराजय होता है, पराजय हरा देना किसी को, युद्ध में हरा देना, शिकस्त मार देना। अभिव्यक्ति प्रकट होना, प्रकाशन या व्यक्त होना, अंतः प्रेरणा अपने मन की प्रेरणा, अरण्य जंगल वन या कानन को बोलते हैं, बुजदिली कायरता को बोलते हैं, कुदरत प्रकृति या नेचर को बोलते हैं। अब हम आ जाएंगे प्रश्नोत्तरों पे। तो पहला है कुछ करने को मैं पहला प्रश्न है किसी भी साहसपूर्ण कार्य को बहादुरी से करना वीरता कहलाती है। सोचिए और लिखिए कि आपके आसपास घटने वाली हुए कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें आप बहादुरी का परिचय दे सकते हैं। तो लिखेंगे इसका उत्तर, भयंकर आग लगने पर साथियों के साथ बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे, पहला प्रयास है ये। जले हुए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा दिलाएंगे, दूसरा प्रयास है ये। बाढ़ की स्थिति में तैरकर लोगों की जीवन रक्षा करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी बहादुरी का परिचय दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वीर पुरुष की तुलना बरसने वाले बादल से और कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले बादल से क्यों की गई है? क्योंकि वीर पुरुष बरसने वाले बादल होते हैं जो मूसलाधार वर्षा करते हैं अर्थात सभी का कल्याण करते हैं, और कायर पुरुष करते हैं कुछ नहीं, सिर्फ भाषण देते हैं अथवा सिर्फ गरजते हैं। इसलिए यहाँ पर बरसने वालों की तुलना वीर पुरुषों से और गरजने वालों की तुलना कायर पुरुषों से की गई है। सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे? तो सच्चा वीर बनने के लिए धैर्य, गंभीरता, स्वतंत्रता, उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम भावना आदि गुणों को विकसित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विचार और कल्पना का वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, आप इस बात से सहमत हैं या असहमत, कारण सहित स्पष्ट करें। तो वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं, क्योंकि वीरता एक स्वाभाविक गुण है, यह मनुष्य में अपने आप होती है, किसी को प्रशिक्षण देकर वीर नहीं बनाया जा सकता। वीरता के गुण किसी में भरे नहीं जा सकते, वे उनमें स्वयं मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ अगर आपने पढ़ा हो इसका तो पढ़ा होगा कि श्यामू ने विवशता में पिताजी की कोट के जेब से पैसे निकाल लिए थे, आपके विचार से ऐसा करना उचित था अथवा अनुचित, कारण भी बताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, श्यामू एक छोटा सा बालक था, वह अपने पिता से डरता भी था, अपनी स्वर्गवासिनी जो मर जाता है उसके लिए यूज किया जाता है माँ के लिए, अत्यधिक इसने ने उसे पिता की कोट के जेब से पैसे निकाल लेने को मजबूर किया। वह इतना नादान था कि उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसकी माँ मर चुकी है और माँ एक पतंग नहीं जा सकती और माँ तक एक पतंग नहीं जा सकती। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, वह एक निर्बोध बालक था यानी जिसको कुछ नहीं पता था, इसलिए पिता की जेब से पैसे निकाल लेना
इस दृष्टिकोण से अनुचित नहीं कहा जा सकता। अब आ गए हैं निबंध से में। पहला प्रश्न है, किसने क्या कहा कोष्टक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। तो अल हलक, अन हलक यानी अहम ब्रह्मास्मि, तो ये मंसूर ने कहा है। मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तो ये बादशाह ने कहा था। अटक के पार जाओ, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। आल्प्स है ही नहीं, ये नेपोलियन ने कहा था। तो ये कुछ महान राजा हैं, महान योद्धा हैं, जो इस धरती पर महान सच्चे वीर हैं, जो पैदा हुए हैं, उनके कुछ फेमस वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ऊपर से छाट कर आपको नीचे लिखने हैं, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन का आंसर में डाउट है या कुछ और जानना है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? पहला है धन और दौलत पर, ज्ञान और पांडित्य पर, हिंसा और अत्याचार पर, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। तो इसका उत्तर है फोर्थ होगा, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर दुनिया खड़ी है। ठीक है, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर ही दुनिया चलती है। हिंसा और अत्याचार पर दुनिया नहीं चल सकती, ना ही ज्ञान और पांडित्य पर चल सकती है, धन और दौलत पर भी नहीं चल सकती। तो धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर ही दुनिया चल सकती है और उसी पर दुनिया खड़ी है। नेक्स्ट है, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाएं। तो पहला है का, हथियारों को एकत्र करना चाहिए, नहीं ये तो गलत ही होगा। बाद विवाद करना चाहिए, ये भी सही नहीं होगा। सच्चाई की दृढ़ता, गा है सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, हाँ ये हो सकता है। और घा है झूठी बातें करनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। झूठी बातें तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो गा इसका सही हो जाएगा, इस पर राइट टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है निमन से में, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? इसका उत्तर है सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्यों कहा? तो गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। तो यहाँ क्या कहा होगा, क्यों नहीं होगा? तो गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं? तो लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं, लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं, इस कारण शरीर रक्षा के निमित्त लोग डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? तो वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं। यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसको काट दीजिए। अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह बहुत उपयोगी होते हैं। अब आ गए हम भाषा की बात पर। तो उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है डर से अधमरा होना, तो इसका अर्थ होता है अधिक डर जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे, सांप को सामने देखकर सीमा डर के मारे अधमरी हो गई। छाती ठोककर आगे बढ़ना, हिम्मत दिखाना। वाक्य प्रयोग देखेंगे इसका, आतंकवादी को भागता देखकर सुरक्षा कर्मी छाती ठोककर आगे बढ़ा। तीसरा मुहावरा है रास्ता साफ होना, तो रुकावट ना होना। वाक्य प्रयोग करेंगे इसमें, रास्ता साफ हो जाने पर रेलगाड़ियां लंबा चक्कर छोड़कर अपने नियत पथ पर चलने लगी। दिल को बांध देना, दिल काबू कर लेना। वाक्य प्रयोग है, गांधी जी ने अपने सर्वधर्म संभाव से लोगों के दिलों को बांध लिया था। क्वेश्चन नंबर टू है भाषा की बात में, आजाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं, हिंदी में इनके समानार्थी शब्द लिखिए। तो लिखेंगे आजाद का स्वतंत्र होता है, गुलाम का सेवक होता है, बादशाह का राजा होता है और कैदी का बंदी होता है। समानार्थी होते समान अर्थ वाले शब्द, या फिर इनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और अगर आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं तो इस
चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है ये। अच्छा, आगे आगे और जो फौज, फौज का सेना हो जाएगा, दरिया का नदी हो जाएगा, कुदरत का प्रकृति हो जाएगा, उसी में और भी पॉइंट्स थे जो मैंने नेक्स्ट पेज पे कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्व शब्द में त्व प्रत्यय जुड़कर सतत्व बन सत्व बन गया, नीचे लिखे शब्दों में त्व शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो मह महत्व में महत्व जोड़ देंगे तो महत्व हो जाएगा, प्रभु में जोड़ देंगे तो प्रभत्व हो जाएगा, तत्व जोड़ेंगे तत्व हो जाएगा और वीरत्व हो जाएगा। इस तरह हम नए शब्द बना लेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्दों के पूर्व आ या अन जुड़ जाता है, जैसे संभव से असंभव और आवश्यक से अनावश्यक शब्द बनता है। अन का प्रयोग उस समय होता है जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। आ अन की सहायता से नीचे लिखे शब्दों का विलोम शब्द बनाइए, उपस्थिति, स्थाई, साधारण, समान और उधार। तो बनाएंगे उत्तर उपस्थिति का हो जाएगा, उसमें अन जुड़ जाएगा तो अनुपस्थिति हो जाएगा, स्थाई का अस्थाई हो जाएगा, साधारण का असाधारण हो जाएगा, समान में आ जुड़ जाएगा तो असमान हो जाएगा, उदार में अन जुड़ जाएगा तो अनुदार हो जाएगा। इस तरह हम इनके विलोम शब्द बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आल्प्स शब्द आ, इसमें आ प्लस आधा ला प्लस आधा पा प्लस आधा सा से और फिर पूरा आ से बना है। इसमें ला पा सा क्रम से 3 व्यंजन आए हैं, इन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। पाठ से इस प्रकार के व्यंजन गुच्छ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो लिखेंगे ब्रह्मास्मि, सत्वगुण और अभिव्यक्ति, आध्यात्मिक आदि व्यंजन गुच्छ वाले शब्द हैं। ठीक है, अगर आप उनका संधि विच्छेद करेंगे, सॉरी वर्ण विच्छेद करेंगे, तो आप इसमें 3 या 2 व्यंजन लगातार पाएंगे।